मेंटोर एके सिंह और आज फिर हम अपने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक क्या है हमारा, जो है प्लूटो यानी कि प्लेटो। हमारा प्लूटो प्लेटो जो आपको कहना है कह लीजिए, वैसे है इनका नाम क्या है, प्लेटो। और आप सभी को वो कहानी भी समझ में आ गई प्लूटो प्लेटो क्यों कहा जाता है। और जो भी रेगुलर स्टूडेंट होगा या फिर पॉलिटिकल में डीपली या फिर एक तरह से कहीं भी अपने टीचिंग में रहा होगा, तो प्लूटो प्लेटो के नाम से क्यों जाने जाते हैं प्लेटो हमारे, इसलिए आपको सबको पता भी होगा। तो चलिए आज हमारा टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, प्लेटो। तो सबसे पहली बात आती है प्लेटो के बारे में यानी कि प्लेटो। तो प्लेटो का जीवन के बारे में लेके चलते हैं। प्लेटो क्या है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन जो है उसके क्या है, प्राचीन राजनीतिक दर्शन के पितामह हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। वैसे तो क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है और ये इस तरह के अटपटे से क्वेश्चन आजकल आते नहीं है, तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। तो आप क्या ये मान के चलिए, जब आप बीए यानी ग्रेजुएशन में होते तभी आप अगर राजनीति से हो तो आप तभी समझ जाते हो, और उससे पहले भी आप क्या है इलेवंथ ट्वेल्थ में होंगे तभी आप प्लेटो के बारे में समझ जाओगे। प्लेटो क्या है, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है, ठीक है, पिता माना जाता है। प्लेटो का जन्म कब हुआ, प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस यानी यूनान में हुआ था, ठीक है। वास्तविक नाम क्या था इनका, यानी कि वास्तविक नाम से पूछा जाए आपसे कि वास्तविक नाम क्या था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वास्तविक नाम, एक मिनट, हाँ वास्तविक नाम लिख देते हैं। वास्तविक नाम क्या है इनका, एरिस्टो कैलिज, एरिस्टो कैलिज। प्लेटो के जो थे यानी प्लेटो की उपाधि उनको किसने दी थी, प्लेटो की उपाधि उसे सुकरात ने दी थी। किसने दी थी, प्लेटो की उपाधि। अरे कहीं ना कहीं आपके जो ये पुराने पेपरों में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते थे तो आपको पता होना चाहिए, प्लेटो की उपाधि उसे सुकरात ने दी थी। ये है छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन, यानी कि कहीं ना कहीं नेट में आते नहीं हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कृति हैं यानी कि प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, ध्यान रख लेना, प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, द रिपब्लिक। क्या है, रिपब्लिक। और इसके अतिरिक्त कौन सी है, द स्टेट मैन, ठीक है ध्यान रखना। और एक है द लॉज। ये कहाँ यानी ये और ये सबसे ज़्यादा पूछी गई है। ये तो आपके यूपी के जितने भी यानी कि यूपी के टीजीटी पीजीटी का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है उसमें पूछी गई है, और जो यानी कि इसमें से ये से छोड़ के दोनों की दोनों पूछी गई हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लेटो ने जो यानी कि प्लेटो ने अपनी किताब यानी कि प्लेटो ने, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिख लीजिए, प्लेटो ने अपनी किताब क्रिटो में सुकरात को दिए गए विष के दौरान वार्तालाप। अच्छा ये जो बात कही गई है विष की, अब विष दिया किसने था, कोई बता सकता है कि विष जो था सुकरात को दिया किसने था।
प्लेटो के आदर्श राज्य की संख्या कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका किस में, यूपी टीजीटी में आ चुका है, प्लेटो के और आदर्श राज्य की जो संख्या है वो प्लेटो ने दी है, ये भी ध्यान रख लेना। आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है, 5040 यानी 5040, ठीक है। प्लेटो की आध्यात्मिक पद्धति क्या है, दार्शनिक और नगरात्मक, ये ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं यानी कि स्टेटमेंट के जो बात आती है वो समझ गए होंगे, लॉज की बात आपको समझ गए होंगे, और जो महत्वपूर्ण जो रचना है जैसे है द रिपब्लिक है, द लॉज हैं, ये तो सारी की सारी मानी जाती हैं। इसके अलावा जो संवेदनशील है या फिर उस तरह से मानी जा, मेनली तीन जो हैं, तीनों आपको जो लिखवाई है मैंने वो आपको पता होना चाहिए और ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है। फिर आते हैं प्लेटो की चिंतन पद्धति। प्लेटो की चिंतन पद्धति में क्या है, प्लेटो ने अपने अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति और निगमात्मक पद्धति के साथ साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया था। लिखिए प्लेटो की चिंतन पद्धति, तो क्या है, प्लेटो ने अपने अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, निगमात्मक पद्धति के साथ साथ ऐतिहासिक पद्धति का भी क्या किया था, प्रयोग किया था। प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना 369 ईसा पूर्व में की थी, जिसमें यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गर्व यानी कि प्राप्त है। एकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक था, किसका आवश्यक था, यानी कि आपके जो एकेडमी जो थी एकेडमी में प्रवेश के लिए क्या होना चाहिए था, यानी कि गणित का ज्ञान होना आवश्यक था, आवश्यक था, तो यानी कि गणित की आवश्यकता कही गई है। प्लेटो क्या है, यानी प्लेटो सुकरात का शिष्य था, यह आपको पता ही है। वह सुकरात के इस विचारों से अधिक प्रभावित हुआ था, सद्गुण यानी कि सद्गुण की ज्ञान की प्राप्त करे थे। प्लेटो के अनुसार विचार यानी कि आइडिया, और जो प्लेटो की बात करता है वो यानी कि आपको पता होना चाहिए विचारवाद की बात करता है, यानी प्लेटो विचार की समुच्चय संसार का मूल तत्व मानता है, यानी विचारवाद की बात करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, विचारों की दुनिया में भौतिक वह वास्तविक दुनिया के में क्या कहता है, प्लेटो का कहना है कि विचार से ही सब कुछ हमारे जो जीवन है वो चलता है, यानी प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीज़ों की के सार होते हैं, वस्तुएं एवं विचारों के प्रतिबिंब होते हैं, ये आप चीज़ों का ध्यान रखना। प्लेटो का फिर आता है प्लेटो व्यक्तित्व के संबंध में विचार, यानी कि प्लेटो के जो आपसे अगला पॉइंट पूछा जाता है वो आता है प्लेटो का व्यक्तिगत सॉरी व्यक्ति के संबंध में विचार। अब इसका क्या है, प्लेटो ग्रीक यूनान विचारक थे, ये आपको पता ही सबको। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में तीन प्रकार के गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। क्या होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। आत्मा के इन तीनों गुणों के में समाज के तीन वर्ग का निर्माण होता है। विवेक की यानी विवेक का प्रधान कौन है, शासक। साहस का है कौन, सैनिक। और तृष्णा का कौन है, उत्पादक। ये ध्यान रख रहे हैं, ये लिख भी देता हूँ मैं, यानी कि ती आत्मा के इन तीन गुण, यानी कि तीन गुण कौन कौन से हैं, तीन गुण लिखवा भी देंगे नीचे, तीन गुण, तीनों गुणों से समाज में तीन वर्ग का निर्माण हुआ। सबसे पहला कौन सा है आपका, विवेक,
की प्रधानता, इसमें क्या आएगा? शासक। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? साहस। साहस क्या है? साहस की प्रधानता, इसमें क्या आएगा? सैनिक, सैनिक। तीसरा क्या आ जाएगा? तृष्णा की प्रधानता, ये क्या है? उत्पादक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यानी प्लेटो का सिद्धांत का कथन क्या है? राज्य, व्यक्ति और यानी कि वृद्धता। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर आता है प्लेटो के राज्य के विचार क्या है। अब प्लेटो के राज्य के विचार क्या है? प्लेटो के राज्य का विचार, प्लेटो का राज्य के विचार क्या है? प्लेटो ने अपने जो बुक थी उसकी कौन सी, दी रिपब्लिक में आदर्श राज्य के विचार की बात करी। यानी आदर्श राज्य, मैंने कहा था ना आदर्श राज्य की संकल्पना दी है, तो ये आदर्श राज्य का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और आदर्श राज्य का क्वेश्चन ये आपका यूपी TGT PGT में और आपके जितने भी TGT PGT में इस तरह क्वेश्चन है, यानी PGT में खासकर पूछा जाता है कि जो आदर्श राज्य कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। तो आदर्श राज्य की व्याख्या करते हुए किसी वास्तविक राज्य को नहीं माना है। ठीक है, उसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह विकास परिणाम और स्वाभाविक संस्था में। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है और राज्य क्या है? प्लेटो के राज्य विधि और दंड को स्थापित क्या करता है? स्थान प्रदान नहीं कर पाता, यानी कि विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ठीक है, प्लेटो राज्य नैतिक इसलिए मानता है क्योंकि दार्शनिक राजा राज्य क्या होता है? दार्शनिक राजा जो होता है द्वारा शासक होता है और वास्तविकता उसको देखने में क्या कहते हैं? विवेकशील की बात करता है। ठीक है, अब न्याय की बात क्या करता है? न्याय वाले कॉन्सेप्ट में क्या कहता है? प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक जो है दिलाने के लिए न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो उसकी दालोज है वो इसी न्याय के बारे में क्या कहती है? न्याय के बारे में, और रिपब्लिक जो है न्याय के बारे में ही वकालत करती है। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपको यह है शिक्षा, यानी कि इसके जो रिपब्लिक में क्या गया, रिपब्लिक में बताया गया सरकार के विभिन्न रूप। यानी कि प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका अभिजात तंत्र। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा आपका हो जाएगा सैनिक तंत्र। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? धनिक तंत्र। चौथा क्या होगा आपका? प्रजातंत्र। और लास्ट क्या है तंत्र? निरंकुश तंत्र। ये आ जाएंगे शासन प्रणाली में क्या आएगा? शासन प्रणाली में इसकी क्या आता है? प्लेटो क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप मानता है। क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को भ्रष्ट रूप मानता है। इसके अनुसार क्या है? राजनीतिक शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? राजनीतिक शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है। क्या है? शासन एक कला है। उसके अनुसार दार्शनिक राजा का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, विधि में क्या कहता है? प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या आदर्श जो राज्य की बात करता है उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है। क्या माना है? अज्ञान माना है। प्लेटो ने अपनी जो बात कही है उसमें क्या कहा है? स्टेटमेंट और द लॉज में विधि को महत्व को स्वीकार किया है, लेकिन प्लेटो ने अपने सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप। फिर आता है शिक्षा के, यानी शिक्षा के बात कहता है, शिक्षा के चरण के बात कहता है।
चलिए शिक्षा के चरण भी लिख लेते हैं इसके, यानी कि शिक्षा के चरण को भी देख लेते हैं, शिक्षा के चरण। अब शिक्षा के चरण में क्या कहता है, प्राथमिक शिक्षा जो है 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की होनी चाहिए, ताकि इसमें क्या है, संगीत और व्यायाम की शिक्षा की विषय वस्तु होती है। द्वितीय चरण में क्या कहा, यानी कि पहले क्या है 10 से 20, इसमें क्या आ गया, व्यायाम की शिक्षा और संगीत। सेकंड में क्या कहा है, सेकंड में कहा है इसने 20 से 30 की बात कही है, इसमें क्या आएगा आपका, गणित, ज्योतिष तथा ज्यामिति की बात की गई है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेक्स्ट है आपका शिक्षा का जो तीसरा चरण है उसमें क्या है, 30 से 35, इसमें क्या है, यानी कि जिसमें इसमें क्या करा गया, इसमें दर्शन शास्त्र की, यानी कि दर्शन शास्त्र की बात कही गई है। ठीक है, ये आपको सारी की सारी बात के, प्लेटो के आलोचक क्या कहते हैं, प्लेटो के आलोचक है कॉपर, यानी कॉल पापर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी में क्या कहा है, प्लेटो ने मुक्त राज्य की को क्या है, शत्रु कहा है प्लेटो, और इसके अनुसार प्लेटो का क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, अलग यानी कि कल्पनात्मक विचार के बारे में बताती है, यानी कि हर व्यक्ति की आलोचना आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि आलोचना क्या करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि सीधे सीधे बात क्या है, अगर एक वर्ड में लेके चले, प्लेटो विचार पे लेके चलता है, आदर्शवाद की बात करता है, रिपब्लिक उसकी क्या नाम कृति है, द लॉज है, द स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आपको जो चीज़ें हैं जो पेपर में आती हैं वो आपको लिखवा दी गई हैं, बता दी गई हैं और समझा दी गई हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।